टूटी हुई दिल से निकली हुई दुआ का मकाम बेहद बड़ा है। जब इंसान किरचों में बिखर के अल्लाह की रूबरू जाय नमाज पर खड़ा होता है, तब जबान लफ्ज़ों से खाली हो जाती है, ऐसे जैसे उसने कभी बोलना सीखा ही नहीं हो। जब दिल थक जाता है, इतना थक जाता है कि सांस लेना भी मुश्किल लगता है, ऐसे एक लम्हे में दिल जो भी सोचता है, जो भी कहता है, वो हर हाल में सच होकर रहता है। और जब टूटा हुआ दिल खुद अल्लाह की बारगाह में जाकर अपने जख्मों को भरने की इल्तिजा करता है ना, तो अल्लाह उसके लिए अपनी मदद नहीं भेजता, बल्कि अल्लाह खुद उसकी वो जख्मों को भरता है। अल्लाह तब वसीली नहीं बनाता, बल्कि अल्लाह खुद वसीला बन जाता है। जिस तरह टूटे दिल की आह अर्श हिला देती है ना, इसी तरह टूटे दिल की फरियाद भी सीधा अर्श पर जाती है। दर्द और तकलीफ में लगाई गई आवाज़ अल्लाह कभी अनसुनी नहीं करता। फिर चाहे जमाना राह में कितनी रुकावटें क्यों ना लगाए, अगर अल्लाह किसी काम को करने की ठान ले तो वो पूरा होकर ही रहता है। याद रखो, सारे मुआवजे यकीन के हैं, और अल्लाह के कुन पर यकीन जितना पुख्ता होगा उतनी ही अताए तुम्हारी मुंतजिर होगी। फिर मायूस मत हो, दिल से निकली हुई एक दुआ हर गुमान को यकीन में बदल देती है, और अल्लाह तुम्हें ख्वाब तब दिखाता है जब वो उनकी तदबीर पर राजी होता है। वरना अगर उसने तुम्हें वो ना देना होता जो तुम मांग रहे हो, तो क्या वो तुम्हें कभी दुआ की तौफीक देता।